मेजर कॉमर्स गुजी पर और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज डे फोर। और डे फोर में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम होने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोर्ड में आपके एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो आपका एनपीओ का चैप्टर है वो उसका हिस्सा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज पूरा देखना, गारंटी दे रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ जाओ कि कौन सी चीज कहां कैसे आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगी। बस उसके लिए क्या करना है, वीडियो को रिसीव दोनों कैसी भी रिसीप्ट हो डीआर में आएगी, कैसा भी पेमेंट हो एक्सपेंडिचर हो सीआर में आएगा, ठीक है ना। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जस्ट बाद ही आपका क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका कैपिटल रिसीप्ट रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको समझाने से पहले मैं एक बार फिर आपको ले चलता हूं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ओर। जी सर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे मैंने आपको क्या बताया, सर आपने हमें ये बताया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आते हैं जिसमें या तो कैश की बात हो रही हो या बैंक की बात हो रही हो, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। तो इसका मतलब, और सर इसमें आपने बताया डीआर और सीआर के बारे में, डीआर में हमारी सारी रिसीप्ट आएंगी, रिसीप्ट सारी यानी कि जितने भी बिजनेस में पैसा आ रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं, रिसीप्ट। और जब भी हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है वो हमारी क्या है, पेमेंट। तो इसमें दो टाइप की रिसीप्ट है हमारी, एक आपकी कैपिटल रिसीप्ट और एक आपकी रिवेन्यू रिसीप्ट। यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो चाहे वो रिवेन्यू रिसीप्ट हो रिकॉर्ड होगी, ऐसे ही चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिकॉर्ड होगा। उसके बाद क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हमारी रिसीप्ट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है। अगर रिसीप्ट साइड में ज्यादा है तो यहां बाई में बैलेंस कर देते हैं, और अगर पेमेंट साइड में ज्यादा है तो यहां टू में बैलेंस कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद ही एक मेन अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे समझ लें बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोर्ड के पेपर में आपसे ये अकाउंट का क्वेश्चन जरूर आएगा 4 से 6 नंबर में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, रिसीप्ट एंड पेमेंट आपको दिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। यहां आपके सारे एक्सपेंडिचर आएंगे और यहां आपकी इनकम आएगी। यानी कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, यहां से सिर्फ कौन से खर्चे उठाऊंगा मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो डालूंगा मैं डीआर साइड में, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डीआर साइड में और सारी रेवेन्यू रिसीप्ट कहां, सीआर साइड में। यानी कि सर ना तो हम कैपिटल रिसीप्ट लेंगे और ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हम सिर्फ क्या लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट। ये जानने के लिए हम समझेंगे कि सर हमारा कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, रिसीप्ट समझ में आ गई। बिजनेस में जब भी आपके पास पैसा आएगा ये क्या है, हमारी रिसीप्ट है सर। इस रिसीप्ट को हम दो पार्ट कहते हैं, या तो वो कैपिटल होगी या वो रेवेन्यू होगी। सबसे पहली चीज, जो भी आपकी कैपिटल रिसीप्ट होती है ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। यानी कि एक बार पैसा आ गया उसके बाद दोबारा नहीं आना, या दोबारा भी आएगा तो बहुत सालों बाद हाल फिलहाल नहीं आना, वो हमारे कौन सी है, कैपिटल रिसीप्ट। और रेवेन्यू रिसीप्ट क्यों है, यानी कि ये रिकरिंग नेचर की है, यानी कि आपको बार बार रेगुलर बेसिस पर पैसा मिलेगा। रेवेन्यू रिसीप्ट की खासियत ये है कि जो हमारी बिजनेस की कोर फंक्शन है, यानी कि जो हम बिजनेस में जितनी भी, जैसे कि आपका एनपीओ है, एनपीओ में आप जितनी भी एक्टिविटी डेली कर रहे हो उन्हीं से जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है ये मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक में माल खरीदा, थोक में माल खरीदा, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ,
कमीशन रिसीव हुआ, आपने कहीं पैसा लगा दिया इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये आपकी क्या है, ये रिसीप्ट आपके पास बार बार आनी है रेगुलर बेसिस पे, ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है। वो रिसीप्ट जो आपके पास एक बार मिल गई या उसके बाद नहीं आनी या आएगी भी तो बहुत टाइम बाद, वो हमारी क्या है, कैपिटल रिसीप्ट। फॉर एग्जाम्पल एक और खासियत, कैपिटल रिसीप्ट से जो आपकी लायबिलिटी होगी वो बढ़ जाती है और जो एसेट्स होगी वो डिक्रीज। कैसे, आपने अपने एनपीओ के लिए, बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया, लोन डेली तो लेते नहीं हो आप, लोन हर तीन महीने बाद तो लेने पहुंचोगे नहीं आप, ये आपकी क्या है, बिजनेस में पैसा आया, रिसीप्ट है, लेकिन कौन सी है, कैपिटल रिसीप्ट है। आपने अपने बिजनेस की कोई एक्टिविटी नहीं करी, कुछ अदर एक्टिविटी करी, यानी कि कैपिटल रिसीप्ट में जो भी पैसा आपको रिसीव होगा वो आप जो डेली की बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है वो करोगे, उससे नहीं हो रहा, अदर एक्टिविटी से हो रहा है। यानी कि बैंक से लोन लिया, पैसा आया, लेकिन बैंक को चुकाओगे भी तो सही, तो यानी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। आपने अपनी कोई एसेट्स बेच दी, पैसा आया, ये कैपिटल रिसीप्ट है, और आपकी एसेट्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ये तो हमारी कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। यानी कि वो रिसीप्ट जो हाल फिलहाल नहीं होगी या सिर्फ एक बार पैसा आना है, वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट। वो रिसीप्ट जो आप बिजनेस में रेगुलर जो एक्टिविटी करोगे उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है, वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट। ऐसे ही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम बिजनेस करते हैं डेली तो हमारे खर्चे भी निरे होते हैं, कोई हर दिन होता है, कोई हर 7 दिन बाद होता है, कोई हर 1 महीने बाद होता है, सैलरी देनी है, रेंट देना है, वेजेस देना है, कमीशन देना है, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन खर्चे होंगे कौन से, हमारे बिजनेस की एक्टिविटी। वो खर्चे जो सिर्फ एक बार हो गए, हाल फिलहाल नहीं करने, जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे नहीं होते, जैसे कि आपने मशीनरी खरीदी बिजनेस में, आपने बिल्डिंग खरीदी, आप डेली थोड़ी ना मशीन खरीदोगे, आप डेली थोड़ी ना बिल्डिंग खरीदोगे, डेली हर दिन थोड़ी ना अपना बिजनेस शिफ्ट करोगे, या आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही कम बुक्स ऐसी हैं जहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा फॉर्मेट आपको दे रखा है, लेकिन मेरे नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया है प्रॉपर कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने बताया आपको कि क्या क्या आता है बेटा, एक्स सबसे पहले DRCR, ये फॉर्मेट होता है जी सर। एक्सपेंडिचर में सारे वो एक्सपेंडिचर जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इनकम में सारी वो इनकम जो रिवेन्यू रिसीप्ट या रिवेन्यू इनकम है। आपके सामने पूरा फॉर्मेट आ गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, यानी कि ये क्या है बेटा, हमें बहुत ही कम ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत ही कम नोट्स ऐसे हैं या जो भी चीजें हैं कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नोट्स या क्या क्या चीजें इसमें आती हैं वो नहीं दे रखा। लेकिन यहां पे आपको दे रखा है कि क्या क्या रेवेन्यू रिसीप्ट होते हैं, क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बारे में दे रखा है, कौन कौन से रेवेन्यू रिसीप्ट है, कि और आपको जो रिसीप्ट एंड पेमेंट था उसमें दो बॉक्स थे, एक अलग से ही कैपिटल रिसीप्ट का था, यानी कि वो हमारा पैसा सिर्फ एक बार आना है, बार बार नहीं आना। रेवेन्यू रिसीप्ट के खर्चे वो खर्चे जो आप पे पैसा बार बार आना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को सॉल्व करने से पहले आपको अच्छे से आना चाहिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आ रही बात, ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? जी सर, हमें समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, ये क्लियर है? क्लियर है बेटा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, आज की पूरी वीडियो का एक छोटा सा एनालाइज कर लेते हैं, पूरी वीडियो का छोटा सा एनालाइज। मैंने आपको एनपीओ के बारे में बताया, एनपीओ क्या होता है ये बताया मैंने आपको? जी सर आपने बताया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम एनपीओ कह रहे हैं जी। उसके बाद जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते वो एनपी होता है, मैंने इसके फीचर बताए, और इसी फीचर में एक आता है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अकाउंट हैं वो दो बेसिस पर बनाए जाते हैं, कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस। अगर आप रिसीप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो तो वो कैश बेसिस पर होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो एक्रुअल बेसिस पर। सर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है, ये DR सेक्शन होता है या सारी रिसीप्ट आती है, और ये CR सेक्शन होता है या सारी पेमेंट आती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में ट्रांजैक्शन जब ही आएगा जब पैसा आया है या गया है।
अगर पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो इसमें क्या बताया सर आपने, इसमें आपने ये बताया इसमें भी दो घर होते हैं, मतलब घर में दो कमरे होते हैं, एक आपका एक्सपेंडिचर नाम से एक आपका इनकम नाम से। एक्सपेंडिचर कौन से, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम कौन सी, रिवेन्यू रिसीव। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, ये सर जो माजरा है सब्सक्रिप्शन वाला, आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, ये क्या झंझट है सर, ये क्या झंझट है, इस झंझट को समझाओ। तो बेटा जरा बहुत ही ध्यान से और प्यार से समझना। सबसे पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही चीज ली जाती है जो सिर्फ उसी साल से मतलब रखती हो। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ जी सर, और खत्म कब होगा सर, 31 मार्च। मान लो ये 16 में स्टार्ट हुआ तो कब खत्म होगा सर, 17 में खत्म होगा, 1 साल हो गई है। तो हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ इसी साल के सारे खर्चे, इसी साल की सारी इनकम ली जाएगी। अब यही बात समझना, इसमें सिर्फ इसी साल की खर्चे और इसी साल की इनकम ली जाएगी। इससे पिछले साल की या इसके बाद के साल की जो आपको इनकम हुई वो एक्सपेंडिचर हुआ वो नहीं लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सर। सर सब्सक्रिप्शन, हमारे पास सब्सक्रिप्शन, कोई हमारा सब्सक्रिप्शन लेगा यानी कि हमें पैसा देगा, तो सर वो पैसा बार बार देते हैं हमें, यानी कि ये क्या है, ये हमारी एक ऐसी इनकम है जो रिवेन्यू टाइप की है जी सर, तो रिवेन्यू टाइप की है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां आएगी, सीआर साइड में आएगी। लेकिन सर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें सर बहुत दिक्कत होती है, समझाइए सर प्लीज। तो समझिए बेटा, सर ने क्या बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ उसी साल से मतलब है जिस साल का कैलकुलेट कर रहे हो। अब एक बात समझना, आपकी साल शुरू हुई 1 अप्रैल को और खत्म हो रही है 31 मार्च को। क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि सब्सक्रिप्शन है 20,000 का, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है 20,000 का, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है, पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जब ये साल की शुरुआत हुई तब कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपए का जो कि इसमें है। तो आप एक बात सोचो, मैंने क्या बताया कि इसमें सिर्फ वही पैसा आएगा जो इस साल से रिलेटेड है। 1 तारीख आई और 2,000 रुपए शुरू में ही बकाया है, तो सोचने वाली बात है, तो जो बकाया पैसा 1 अप्रैल से पहले का ही तो होगा, जब ये आउटस्टैंडिंग है और बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है तो 1 अप्रैल से पहले का ही तो होगा। यानी कि सर कहने का मतलब क्या आपका ये है कि ये पिछले साल का होगा, समझो इसी साल से मतलब है और शुरुआत में ही आउटस्टैंडिंग दे रखा है, यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग का पैसा है वो पिछली साल का होगा या नहीं होगा। यस सर पिछली साल का होगा, और मैंने क्या कहा कि जो इस साल की चीज है सिर्फ उससे ही मतलब रखो। तो इस 20,000 में से मैं ये क्या करूंगा, 2,000 रुपए माइनस कर दूंगा। यहां तक समझ में आया जी सर, समझ में आया सर। अब यही कह रहा होता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000। ये साल खत्म होने को आ गई और सब्सक्रिप्शन कितना बकाया है, कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000। यानी कि 31 मार्च आ गई और 31 मार्च को जो सब्सक्रिप्शन का 5,000 रुपए है वो भी बकाया है। तो मुझे बताओ ये किस साल का बकाया है, इसी साल का बकाया है अगली साल का, इसी साल का बकाया ना। जब ये साल एंड होने को आ गई और 5,000 रुपए भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग आया नहीं है, तो ये इसी साल का तो है। यस सर इसी साल का है, तो क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे क्योंकि इसी साल का है,
और आपने कहा है कि इसी साल से मतलब रखो और किसी ईयर से मतलब मत रखो। यस सर, आउटस्टैंडिंग का समझ में आ गया। अब एडवांस का भी कुछ लोचा होता है सर, वो और समझा दीजिए। समझो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मुझे एक चीज बताओ, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो और 1 अप्रैल को आपने पैसा जमा करा है स्कूल में एडवांस, तो एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस हम पीछे के लिए देंगे या आने वाली चीजों के लिए देंगे? एडवांस हम किन किन क्लास की फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं? 9th की लेना चाह रहे हैं या आने वाले 10th की? सर आने वाले की लेंगे। जब एडवांस ही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 अप्रैल को एडवांस दिया है तो अप्रैल, मई या जून या जितने भी महीने उनके लिए तो है एडवांस, या पूरी साल के लिए है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसी साल से लिंक करता है, इसी साल में आएगा, तो इसे हम क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द बिगनिंग, शुरुआत में ही दे दिया पैसा, तो इसी साल के लिए दिया होगा। जी सर, इसी साल के लिए दिया होगा। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और सर अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो लेकिन एट द एंड हो, पैसा तो आया है लेकिन साल की शुरुआत में आया है, तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है मेरे बच्चे इतने तो होशियार हैं कि अभी कह देंगे कि सर अगर 31 मार्च को पैसा रिसीव हुआ एडवांस में तो वो आने वाले साल के लिए है ना, इस साल के लिए तो नहीं है, यानी कि सर इसे तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये 4 फंडे ऐसे हैं जो आपको थोड़ा दिक्कत देंगे, इसीलिए मैंने इसे आपको ऐसे समझाया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, या आपको डेट दे रखी है, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है तो पिछली साल का इस साल का तो है नहीं, माइनस कर देंगे। साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो वो इसी साल का बकाया, अभी तक पैसा नहीं आया, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। साल की शुरुआत में एडवांस मिल गया तो इसी साल का एडवांस मिला है, प्लस कर देंगे। समझ ही नहीं पाते कि ये कहां कहां जाएगा और कैसे कैसे जाएगा, तो ध्यान से बच्चों पूरी वीडियो को एंड तक देखना। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की जो दिक्कत आप लोगों की रहती है वो एकदम खत्म हो जाएगी। सबसे पहला यहां ट्रांजैक्शन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे और बैलेंस शीट में क्या करेंगे। सबसे पहला है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब कि कोई डोनेशन जिसको मालूम है कि ये डोनेशन इसलिए दी गई है, ये डोनेशन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में दी गई है, ये डोनेशन मशीनरी के किसी काम के लिए दी गई है, यानी कि आपको मालूम है कि जो डोनेशन दी है वो इस पर्पस के लिए दी है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा, रिसीप्ट साइड, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में जाएगा अपने ही एक सेपरेट हेड के नाम से। दूसरा आपका जनरल डोनेशन, आपको डोनेशन मिली है बस आपको नहीं मालूम किस पर्पस के लिए, तो ये कंपनी के पास फायदा है ना, तो ये हमारी डेबिट जाएगी कहां? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, यानी रिसीप्ट साइड में जाएगी डेबिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगी इनकम साइड में, क्रेडिट में, और आपकी बैलेंस शीट में ये कहीं नहीं आएगी। ये बच्चों का बहुत ही डाउट रहता है लीगसी और जनरल डोनेशन में। बेटा जैसे ही लीगसी और जनरल डोनेशन आए, आप लोगों को यह देखना है कुछ एडजस्टमेंट में कह तो नहीं रहा कि लीगसी का इतना परसेंट हम रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, लीगसी का इतना परसेंट हम एक्सपेंडिचर इनकम में डालेंगे। तो लीगसी पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो डेबिट साइड में आएगी यानी कि रिसीप्ट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगी जब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, और लायबिलिटी साइड में अपने ही एक सेपरेट हेड के नाम से आएगी लीगसी, है ना। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस जब भी हमारे कोई मेंबर बनना चाहता है तो वो शुरुआत में पेमेंट करना पड़ता है रिसीप्ट साइड में, ये डेबिट साइड में आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगी इनकम साइड में, और बैलेंस शीट में ये कहीं नहीं आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको पेमेंट करना ही नहीं है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में, तो डेबिट साइड में जाएगी यानी कि रिसीप्ट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगी क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है, बार बार नहीं देना। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी आपको ये देखना है कि कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं कह रहा कि इतना परसेंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना या नहीं डालना। लायबिलिटी साइड में लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो हमारी अपने एक सेपरेट हेड के नाम से आती है।
सेल्ड ऑफ ओल्ड एसेट्स, यानी कि जो हमने ओल्ड एसेट्स थी वो बेच दी, जितना बेच के पैसा मिला वो अमाउंट तो जाता है डेबिट साइड रिसीप्ट एंड पेमेंट में, यानी कि रिसीप्ट साइड। अगर आपको बेच के प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, और अगर आपको बेच के घाटा हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। एसेट्स चली गई तो बचेगा क्या, यानी कि एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन या पीरियोडिकल्स, इसे बेचने में जो भी अमाउंट हमें मिला वो डालेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम में, बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, चला गया। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर हमने कोई अपना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है तो पैसा आया, ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट में, और क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। एक ये डाउट रहता है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, और बच्चे कहते हैं सर ये है क्या। होनोरेरियम का मतलब है बेटा कि जो कोई हमारे एनपीओ का मेंबर ही नहीं था उसके बाद भी उसने हमें कुछ सर्विसेज दी, उन सर्विसेज के बदले हमने उसे पैसा दिया, दिस इज नोन एज होनोरेरियम। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड जाएगा पेमेंट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा एक्सपेंडिचर के, बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। कुछ ग्रांट्स होते हैं जो हमें किसी से मिलते हैं, या तो गवर्नमेंट से, तो जनरल ग्रांट और स्पेशल ग्रांट। जनरल ग्रांट यानी कि ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से, आपको नहीं मालूम क्या करेंगे आप, बस पैसा मिला है आपके पास, तो ये आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई स्पेशल ग्रांट है, यानी कि ग्रांट में लिखा हुआ है कि किस लिए मिला है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट के तो डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन यहां नहीं कहीं, क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट हो गया और कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में जाता है, भी समझेंगे वहां। उसके बाद रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो आपको मालूम ही है वो सारे रिसीप्ट जो आपको बार बार मिलने हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, और आपकी बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है उससे मिलते हैं, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में जाएगा, यानी कि रिसीप्ट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी कि इनकम साइड, और बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो हमारे कंपनी के खर्चे होते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे वो खर्चे हमें रिकरिंग नेचर के, जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ये हमारे पेमेंट साइड आएगा, यानी कैश साइड, सॉरी रिसीप्ट एंड पेमेंट के कैश साइड जाएगा पेमेंट साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर साइड, बैलेंस शीट में इसका कुछ नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक बार कल आ गया पैसा, उसके बाद नहीं खर्च करना, जैसे कि परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो ये कैश साइड जाएगा पेमेंट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब कुछ नहीं होगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसकी अलग से हेडिंग आ जाएगी, एसेट्स में प्लांट मशीनरी जो भी है ये। तो यहां पे हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का गुरुजी ने हमारे जो डाउट्स थे वो तो खत्म कर दिए। इसके तुरंत बाद हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट, और आप देख रहे होंगे कि आपको दो बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है, एक आपकी है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी का जो कैपिटल फंड होता है वो मिसिंग है, यानी कि क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दे ही नहीं रखा, या और कोई ऐसा आइटम है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, उस आइटम को निकालने के लिए हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, उस आइटम को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होता है सर, बेटा ये ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि साल की शुरुआत में बनाई जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल जो भी ईयर दे रखा है, तो 1 अप्रैल को जो भी हमारी एसेट्स का बिगनिंग का बैलेंस था, जैसे बिल्डिंग का बिगनिंग का बैलेंस, फर्नीचर, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का है, इसका सारा बैलेंस आ जाएगा एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में भी सेम, कोई भी हमारी ओपनिंग लायबिलिटी का बैलेंस, जैसे क्रेडिटर का बैलेंस, कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन था बिगनिंग का वो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था वो, ये सारी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद क्या होता है, एसेट्स का टोटल किया, एसेट्स का टोटल ज्यादा आया, लायबिलिटी का टोटल किया, लायबिलिटी का टोटल कम आया, तो जितना एसेट ज्यादा है लायबिलिटी साइड से उसको माइनस करके हम डाल देते हैं कैपिटल फंड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड का हेड खोलते हैं और उसमें वो अमाउंट डाल देते हैं। यहां से बन गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट और कैपिटल फंड निकल के आ गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एक एक चीज। आप बनाने बैठे क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि साल के एंड की बैलेंस शीट, एक साइड आपकी लायबिलिटी और एक साइड आपका एसेट्स, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो कैश इन एंड है बिगनिंग का बैलेंस भी आपका,
कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में भी जाता है। तो पहले मैं एसेट्स की बात करूंगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, साल के एंड का जो बैलेंस दे रखा है, यानी कि आपको जो एसेट साइड में बैलेंस दे रखा होगा, कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, कैश इन हैंड एंड का और कैश एट बैंक एंड का, वो यहां लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है उसको लिखेंगे, हमने वो और परचेस करी तो एड, उस पर डेप लगा तो माइनस, उसका कुछ पोर्शन सेल कर दिया तो जो जितनी बुक वैल्यू पे वो सेल करा था वो माइनस, उसके बाद फिक्स एसेट का टोटल। कोई स्टॉक दे रखा है जैसे कि स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग मशीनरी मेडिसिन, उसके जो साल का एंड का बैलेंस है वो यहां साल का बिगनिंग का जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट सैलरी और कोई अदर एक्सपेंसेस, उसका जो एंड का बैलेंस है क्या होगा, एसेट साइड में। उसके बाद कोई हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी कि इनकम हमारी बकाया है, पैसा अभी मिलना है, जैसे कि आपकी सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आपका लॉकर रेंट और कोई इनकम एट द एंड, तो वो हमारी कहां जाएगी, एसेट साइड। अब लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी में सबसे पहले हम डालते हैं कैपिटल फंड की हेडिंग, और कैपिटल फंड में हमारा क्या क्या आता है, सरप्लस या डेफिशिएट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और डेफिशिएट हुआ तो लेस हो जाएगा। क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दे रखी होगी, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी कैपिटल फंड में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहीं एडजस्टमेंट में कुछ दे तो नहीं रखा। अगर एडजस्टमेंट में कुछ अलग से दे रखा है कि इतना परसेंट कैपिटलाइज करेंगे तो लाइफ मेंबरशिप फीस का उतना ही परसेंट यहां पे आएगा, बाकी जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक फंड होता है, उसका अलग से हेड बनेगा फंड। जैसे मान लो स्पोर्ट्स फंड बना, अब इस फंड के लिए कोई डोनेशन रिसीप्ट हुई या कोई भी अदर रिसीप्ट हुई वो इसमें जुड़ जाएगी। इस फंड के लिए कोई भी ब्याज आई या अदर इंटरेस्ट आई वो इसमें जुड़ जाएगी। इसमें जो खर्चा हुआ बस उससे माइनस हो जाएगा बैलेंस बाहर। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स, ये तो आपको मालूम ही है, लायबिलिटी में आते हैं। लास्ट में हमारी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, और हमें कोई इनकम रिसीव्ड हुई है एडवांस में जैसे कि लॉकर रेंट वगैरह। यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है और यहीं पर आपका एनपीओ भी खत्म हो गया।